सब लोगों ने बात बता दी, और जो हम लोगों ने फल्गु नदी में रबर डैम बनाने के बारे में निर्णय लिया, तो आप सब लोगों को मालूम है कि ये तो इसके लिए हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो जो आते हैं और सालों भर लोग करते रहते हैं यहाँ पर आकर के, तो इसके लिए जरूरी है कि जो कुछ भी कर सके अपने पूर्वजों के पिंडदान करने हेतु, और जो गया में पूरे देश भर से और यहाँ तक कि जो यहाँ के लोग विदेशों में रहते हैं वो भी पधारते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पधारते हैं, और जो गया है ये स्थल है इसका तो एक बहुत ही विशेष महत्व है। और आप सबको मालूम है कि किस तरह से कि गया मोक्ष की भूमि है, और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन जो होता है, और जानते हैं इस बार भी 9 से ही है, और जब ये शुरू आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से इस बात को जानते थे, और हम लोगों को भी यहां काम करने का मौका मिला तब भी तो जानते ही थे, लेकिन एक बार हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे मुख्यमंत्री बने ही थे तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली प्लेन से, और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में, और वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहां पर सब तरह की व्यवस्था हो इसका ख्याल रखेंगे। और आपको मालूम है ना कि 8 से ही हम लोग कितना बार आते रहते हैं, सब तरह का काम ठीक रहे, किसी को आने में दिक्कत नहीं हो, हर तरह की सुविधाएं हम लोगों ने की है। तो कौन सा ऐसा काम है जिसको हम लोगों ने इस काम को पूरा नहीं किया? आप साफ समझ लीजिए ये 15 दिन में जो लोग आते हैं बहुत बड़ी संख्या में, 6 से 8 लाख लोग आते हैं बाहर से इस 15 दिन के अंदर, तो उसके लिए तो एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि सब तरह से। तो हमने 8-9 आइटम बना दिया, और जब भी जब होता है तभी भी कुछ दिन पहले आ गए थे हम लोग सबसे मीटिंग, और मीटिंग करके और एक एक चीज को देख करके और सबसे पूछ लिया, सारे अधिकारियों ने बता दिया कि हम लोगों ने सारा काम कर लिया कि कोई भी आएंगे उनको आने जाने में दिक्कत नहीं हो, ये सब जितना भी पशु जो इधर से उधर रहता है सबको हम पहले ही से कहे कि उसको एक किनारे में रखिएगा इस बीच में, ताकि किसी को कोई आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो हर तरह से सब काम करते हुए, और जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने होने का भी ठीक ठाक इंतजाम होना चाहिए, एक एक चीज को देख लीजिए। और जब सब लोग आते हैं, और ज्यादातर लोग बिहार से बिहार के बाहर से आते हैं, और जब देखेंगे देखते रहेंगे कि यहां पर उनको सुविधा होती है तो सब जगह इसकी प्रशंसा करेंगे। तो पहले की तुलना में तो और भी लोग आने लगे। आप पिछले 2 साल से भले ही आप जानते हैं कोरोना का दौर चला तो नहीं हो रहा था, और इस बार तो फिर हो ही रहा, तो इसी बीच में सब चीज को हम लोग जो देखते रहते थे, तो इसमें हम लोगों को लगा कि भाई फल्गु नदी में पानी खत्म हो जाता है, इस बीच में कुछ दिन पानी रहता है, आते हैं लोग सालों भर लेकिन पानी खत्म हो जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इसके लिए हम लोगों को एक रबर डैम के बारे में काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई यहां पर जो आते हैं और इनको हर समय बिल्कुल उपलब्ध रहना चाहिए यहां पर। तो इसी के लिए अभी आपको बता दिया गया कि सबसे बड़ा रबर डैम इस देश का बन गया है। अब कितनी सुविधा होगी, कभी भी पानी खत्म नहीं होगा, ये जो देख रहे हैं ये कोई इन्हीं इसी मौसम की बात नहीं है, हर समय 12 महीना आपको रहेगा 2 फीट 3 फीट तक यहां पर पानी रहेगा, कभी भी कोई कहीं से भी आएंगे उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, लोग प्रसन्न रहेंगे। और बिहार के भी तो जानते ही हैं और अनेक जगहों के लोग यहां पर तो आते ही हैं। तो इस तरह से जो यहां पर का एक पूरा का पूरा वो पूरा सब चीज है
तो ये जो हो रहा है तो आपको अब आज कल से पितृपक्ष मेले का भी शुरुआत हो जाएगा, तो सब लोग आएंगे, किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। और इसके लिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, आप समझ लीजिए कि अब इसके लिए फल्गु नदी में तो कितना मीटर हम लोगों ने करवा दिया है, जो भी हमने बता दिया कि सबसे कम अगर होगा तो 2 मीटर का होगा, कभी भी उससे कम कभी नहीं होगा, ये सब चीज हम लोग करेंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक ही खाली हम लोग रबर डैम नहीं बना रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ब्रिज भी बनवाए हैं, और फिर उसके बाद बगल में नाला का निर्माण करवाए हैं कि कोई बाहर से पानी आ जाएगा और फिर चला जाता है नदी में, वो ठीक नहीं होता, इसलिए बाहर से जो भी पानी आएगा उसका अलग रहेगा, कभी भी इस नदी में वो पानी नहीं जा पाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा और उसको शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल करेंगे, वो भी सब काम हम लोगों ने किया। तो एक एक काम करते हुए जिस तरह से सब चीज को काम किया गया, तो आप समझ लीजिए कि इसमें पूरे तौर पर लगभग 324 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसमें हम लोगों ने इसके निर्माण में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का है उसके तकनीकी सेवाओं का लिया, जब हम लोगों को मन में आया, तो हम तो आज से नहीं, जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े हैं और तभी से ना हम जानते हैं भाई, हम तो पहले भी जाते रहे, जब एमपी थे तब वहां जाते थे, केंद्र में मंत्री थे तब वहां जाते थे, और हमको मालूम है कि वो बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूशन। हमने इन लोगों को कहा कि वहीं से लोगों को, अब तो वो भी हो गए आईआईटी, लेकिन वही रुड़की वाले को भी बुलाइए और इंजीनियर्स लोग देख लेंगे, और उसके बाद इसके बारे में क्या किस तरह से बनवाया जाए, इन सब चीजों के बारे में वो सलाह देंगे। तो ये सब काम करवा दिया गया।